अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब है। इस दोस्तों ने वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मेज़ ऑफ फीमेल दोनों के लिए। इसमें जो है मेज़ ऑफ फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे जो है मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपने वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हमारी वेबसाइट जॉब एज पर आपने आ जाना है। गूगल पर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एज डॉट इन फोसिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके वहाँ पर आपको इसका ऐड मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने इसका ऐड ओपन किया है। तो दोस्तों, इसमें स्टार्ट में आपको बताती चलूँगी, अगर आपको जो है इनसे कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है आप इनसे जो है इनकी ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, सेंटर और डिपार्टमेंट्स में जो है ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको बताते चलें कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा जो है लेक्चरर, रिसर्च ऑफिसर के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इन पोस्टों के लिए आप जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि इसमें जो प्रोफेसर की जो पहली पोस्ट आपको बताने जा रही हूँ, इसका जो है आपको कौन से इंस्टीट्यूट में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ में सोशोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के लिए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है साइंसेस के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ, इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है कॉलेज ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, कॉलेज स्टैटिकल एंड एरेटिकल साइंस, इसके अलावा इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटर बताए हैं हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है जूलॉजी का भी सेंटर है, साइकोलॉजी का भी है, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपको यहाँ पर जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं आपके पास इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको हर जो है आपको पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो उसके डिपार्टमेंट बताए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बताते चलें असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज आपको यहाँ पर ग्रेड 19 की पोस्ट है और इसमें जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ की ये पोस्ट है, सॉरी जिसमें जो इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर जो आपको एजुकेशन एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, टोटल एक वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल स्टडीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, टोटल दो वैकेंसी है। जनरल स्टडीज़ आपके जो है आपको यहाँ पर टीच करना होगा। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में आपको जो है कम्युनिकेशन स्टडीज़ से रिलेटेड आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है इसका इंस्टीट्यूट और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कॉलेज के बारे में बताया गया है। तो आप जो है जो भी कॉलेज आप इंटरेस्टेड हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको जो है इसमें आपके जो है यहाँ पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें जो है कैंसर रिसर्च सेंटर है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस, स्पेशलाइजेशन एंड कैंसर रिसर्च एंड कॉल सेल कल्चर आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, और उर्दू डेवलपमेंट कमेटी का जो डिपार्टमेंट है इसमें आपके पास उर्दू रिलेटेड आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके पास जो एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की आपको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो जो है 26 मार्च है, और इसके अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर और रिसर्च ऑफिसर के लिए आपका जो है 26 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। तो इसमें जो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है www.pu.education.pe के, आप लोगों ने जो है क्या करना है, आपने इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना है। वहाँ पर आपको इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके जो है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पर जो है अपलोड की गई हैं। आपने सिंपली उन्हें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने जो है पहले रीड करना है, उसके मुताबिक आपने जो है जिस सेंटर में, जिस कॉलेज में, जिस जो है इंस्टीट्यूट में आप जो है इंटरेस्टेड है आपने उसमें अप्लाई करना होगा। आपने क्या करना होगा, आपने वहाँ पर जो है
सीवी और टेस्ट कॉपीज़, आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं आपने जो है वो अपने जो है सेंड करनी होंगी। यहाँ पर आपको जो एड्रेस बताया गया है, रजिस्टर हुमर सर्च नॉर्थ एडमिन ब्लॉक रूमन 19, यहाँ पर पंजाब का एजाजम कैंपस, यहाँ पर लाहौर आपने जो है एडमिशन ऑफिस में जो है स्टेशन, आपने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है आपने यहाँ पर सारा जो है आपने सेंड करके बाई पोस्ट आपने रजिस्टर करवाना होगा। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लेना है, इसमें आपको जो है मुकम्मल डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन है, आपने उसको रीड कर लेना है। वहाँ पर आपको इसका ऑल क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो आपको इनका जो है इस साइड में आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।